बात करते हैं सागर की, जहां बंडा ब्लॉक के ग्राम पिडरुआ में दूषित पानी पीने से आधा गांव बीमार हो गया है। एक के बाद दर्जन भर लोगों को उल्टी दस्त होने लगे हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव में लगातार लोगों के बीमार होने की खबर मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कैंप लगाकर लोगों का इलाज करना शुरू किया। गांव में अब तक 75 लोगों का इलाज किया गया है, जिसमें करीब उल्टी दस्त से ग्रसित करीब 25 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेष सभी मरीजों का गांव में इलाज किया गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम पिडरुआ के रावत और पटेल मोहल्लों में दूषित पानी पीने से ज़्यादातर लोग बीमार हुए हैं। यहाँ 9 जुलाई को लोगों को अचानक उल्टी दस्त होना शुरू हो गए थे। लगभग सभी घरों में लोग बीमारी से ग्रसित हुए हैं, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया है। मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और मरीजों का इलाज शुरू किया है। उल्टी दस्त से पीड़ित करीब 25 मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाँव में मौजूद सभी मरीजों की स्थिति सामान्य है। गाँव में हैंडपंप लगे हुए हैं। रावत मोहल्ला और पटेल मोहल्ला स्थित हैंडपंप के पास से नाला निकला हुआ है। बारिश में नाले में पानी बढ़ने से हैंडपंप में गंदा दूषित पानी आना शुरू हो गया है। इसी पानी को पीने से लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पीएचई विभाग को हैंडपंप के पानी की जांच करने के लिए बोला है, जिसके बाद पीएचई के अधिकारी पानी की जांच करा रहे हैं। बीएमओ डॉक्टर आनंद असाटी ने बताया कि विभाग के अमले के साथ गांव में शिविर लगाकर उल्टी दस्त के मरीजों की जाँच कर इलाज किया जा रहा है। जो गंभीर बीमार है उन्हें जिला अस्पताल और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। पिछले 3 दिनों में शिविर में 75 मरीज सामने आए हैं, जिसमें उल्टी दस्त के 13 मरीज मिले हैं। सोमवार को 11 मरीजों इलाज किया गया है। सभी मरीजों को दवाइयां दी गई हैं। घर में जाकर टीमें सर्वे कर रही और दवाई भी बांटी जा रही है। साफ सफाई और काउंसलिंग की जा रही है। गांव के लोग उबला हुआ पानी पी रहे हैं, अब किसी को कोई समस्या नहीं हो रही है। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि ग्राम पिडरुआ में दूषित पानी पीने से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ा है। पीएचई की टीम ने हैंडपंपों की जांच की है, जिसमें एक हैंडपंप का पानी दूषित पाया गया है। उक्त हैंडपंप को बंद करा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव में लोगों को स्वास्थ्य की जांच कर रही हैं, जरूरी दवाइयां भी दी जा रही हैं।